कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। सुबह 11 बजे सचिवालय में यह बैठक होनी थी, कई फैसलों पर इस बैठक में मुहर लगनी थी, लेकिन अब इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। सीएम के ओएसडी को कोरोना होने के चलते यह बैठक चली है। और बड़ी बात यह है कि 2 हफ्ते में 2 बार कैबिनेट की बैठक कैंसिल की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। सुबह 11 बजे सचिवालय में यह बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। विनोद हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं विनोद का। विनोद, 2 हफ्ते में 2 बार कैंसिल हो गई है कैबिनेट की बैठक, एक बार फिर स्थगित की गई है, कई अहम फैसलों पर मुहर लगनी थी, क्या जानकारी है? कौशल, देखिए आज 11 बजे से उत्तराखंड सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू होनी थी, लेकिन सीएम के ओएसडी अभय सिंह रावत और तमाम जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और ऐसे में तमाम एहतियात बरतते हुए इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ सेल्फ आइसोलेशन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चले गए हैं, और सारी सरकारी कामकाज जितने भी शासकीय कार्य हैं अब मुख्यमंत्री अपने आवास से निपटाएंगे। लेकिन आज कैबिनेट बैठक उत्तराखंड सचिवालय में 11 बजे होनी थी, तमाम महत्वपूर्ण फैसले सरकार इस पर लेने वाली थी। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर आज हरी झंडी सरकार की होने वाली थी, जिसमें कोविड-19 जिस तरह से फैल रहा है उस पर नियंत्रण, पर्यटन, खेल। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, फिर आइसोलेट हुए हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत, मुख्यमंत्री आवास में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, बढ़ते केस के चलते सीएम ने यह फैसला लिया है, कैबिनेट की बैठक भी स्थगित हुई है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर आइसोलेट हो गए, घर में रहकर सरकारी कामकाज निपटाएंगे। विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। जी विनोद, जी देखिए जिस तरह से अभी लगातार उत्तराखंड में कोरोना की संख्या में बड़ा इजाफा होता जा रहा है, और 2 हफ्तों में ऐसा पहली बार देखा गया है कि 2 हफ्तों में 2 बार कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गई है। वजह सिर्फ यही कि लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, और तमाम एहतियात बरतते हुए यही बैठकों का स्थगित करना तमाम एक लाजमी ये जरूर है कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उसको देखते हुए ये कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही आज वो सीएम के ओएसडी अभय सिंह रावत पॉजिटिव हुए हैं, सीएम के सुरक्षाकर्मी कल ही पॉजिटिव पाए गए हैं, तो तमाम एहतियात बरतते हुए और दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। सीएम अपनी कोरोना की जाँच भी करवाएंगे, इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है विनोद? जी देखिए अभी सेल्फ आइसोलेशन में सीएम गए हैं, अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी और एंटीजन टेस्ट फिर दोबारा सीएम का कराया जाएगा, और जितने भी वहां पर उनके परिवार के लोग हैं और साथ ही साथ जितने सुरक्षाकर्मी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबके टेस्ट होंगे, क्योंकि ओएसडी के पॉजिटिव आने के बाद में तमाम ऐसे अब चिंता जरूर बढ़ने लगी है, जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे बिल्कुल चिंता जरूर बढ़ रही है विनोद, सचिवालय में हो, मुख्यमंत्री आवास में हो, अब उनके भी टेस्ट होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना के चलते तमाम ये बैठकें कैंसिल होना अब बड़ी बात है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में कोरोना संकट काल बढ़ रहा है कौशल, और इस पर नियंत्रण कैसे हो सरकार उसी पर मंथन करेगी। बढ़ते कोरोना पर नियंत्रण कैसे हो ये इस पर मंथन करने की जरूरत भी है। विनोद आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।